नमस्कार दोस्तों, डीएम फूड ब्लॉग्स की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बटर चिकन, तो फिर चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बटर चिकन की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, बटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 700 ग्राम चिकन लिया है, जिनको मैंने बहुत ही अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसके बाद चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें नमक डालेंगे। करीब 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और इसके बाद यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। अभी इसके बाद इसमें थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी दोस्तों, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको हमने मैरिनेशन पे रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो फिर आप 1 घंटे के लिए भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। और अभी दोस्तों, आप देख सकते हैं लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर जो चिकन में से एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है क्योंकि इसमें नमक डला हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि चिकन में से जो एक्स्ट्रा पानी निकला है उसे अलग कर देंगे, मतलब कि ड्रेन आउट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट। अभी हमें सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेनी है, तो इसीलिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 1 से 1.5 चम्मच सरसों का ऑयल डाल लिया है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसका कलर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर और सरसों का ऑयल मिक्स होने के बाद बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आ चुका है इसका। और यहाँ पर ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच हंग कर्ड। दोस्तों, आप में से जिनको पता नहीं है कि हंग कर्ड कैसे बनता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दही को ऐड कर लेने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्सिंग के टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई लम्प्स वगैरह ना रह जाए, एकदम स्मूथ सा मिक्सचर होना चाहिए। दही वाला ये मिक्सचर रेडी हो जाने के बाद जो हमने चिकन पीसेस मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे और फिर से यहाँ पर अपने हाथों की मदद से ये सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा सेकंड मैरिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि बटर चिकन की रेसिपी जो है चिकन टिक्का के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो बेसिकली हम यहाँ पर चिकन टिक्का बना रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें सरसों का ऑयल डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। यहाँ पर करीब 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई में रखना है और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बटर जो है हमारा ना जले बिल्कुल भी। और यहाँ पर जो चिकन पीसेस हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर लेंगे। बेसिकली चिकन को हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है जब तक कि ये 70% तक कुक ना हो जाए। चिकन पीसेस को ऐड कर लेने के बाद थोड़ा सा इधर उधर इनको पलट लेंगे ताकि जो बटर या फिर ऑयल है वो पूरा चिकन में आ जाए। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, बटर चिकन की जो रेसिपी होती है उसके लिए बोनलेस या फिर विद बोन चिकन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शेफ्स का मानना है कि विद बोन चिकन जब ग्रेवी में पकता है तो बटर चिकन की फ्लेवर जो है वो और भी खुल के बाहर आता है, तो इस डिश के लिए विद बोन चिकन ही बेस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखना है और कोशिश करें कि ये चिकन जो है फ्राई करने के लिए आप एक नॉनस्टिक का बर्तन यूज़ करें, तो कढ़ाई या फिर तवा आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरा जल जाएगा। चिकन पीसेस एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद उन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चिकन पीसेस जो है 70% तक कुक हो गए हैं, अभी इनको हमें निकाल लेना है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बटर चिकन और चिकन टिक्का थोड़ा सा सिमिलर होते हैं, तो लीजिए, आपका चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है अगर आपने इनको 100% कुक कर लिया है तो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे चिकन पीसेस को निकाल लिया है और यहाँ पर अभी क्या करेंगे, एक दूसरी कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच सरसों का ऑयल। मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल मैंने बहुत ही कम डाला है क्योंकि मुझे यहाँ पर बटर डालना है, आप चाहे तो बटर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बटर से जो है फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर बटर ऐड कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बटर जो है मेल्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी मैं डाल रही हूँ मीडियम साइज़ का 2 प्याज फाइनली चॉप किया हुआ। आपको बता दूँ, बटर चिकन के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, कई लोग इसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आज मैं बटर चिकन में प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी इसके बाद दोस्तों, प्याज को तब तक हमें भूनना है जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर प्याज जो है सॉफ्ट हो जाने के बाद 1 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, प्याज और अदरक को अच्छे से भून लेने के बाद यहाँ पर डालेंगे 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर।
इनको थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे एक चम्मच। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेंगे इनको। अगर मसाले सूख जाए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जो मसाले वाले पानी होता है मैं यहाँ पर वही ऐड कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मसाले हमारे बिल्कुल पक चुके हैं और ऑयल से बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच हांग कर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए भून लेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दही का जो टेक्स्चर है बिल्कुल ग्रेवी वाला टेक्स्चर आ चुका है। अब इस पॉइंट पर हमें टोमेटो प्यूरे को ऐड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर टोमेटो प्यूरे बनाने के लिए मैंने 4 से 5 बड़े वाले टोमेटो का यूज़ किया है। पहले तो मैंने टोमेटोज का छिलका निकाल लिया है, उसके बाद उनको मिक्सर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा टोमेटो प्यूरे रेडी हुआ है। आप चाहे तो बाजार का टोमेटो प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप मीठे वाले टमाटर का यूज़ कर रहे हैं तो फिर पहले से मसालों में थोड़ा सा दही ऐड कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और इससे क्या होगा, हमारे डिश में जो फ्लेवर्स का बैलेंस होता है वो बना रहेगा। दोस्तों यहाँ पर टोमेटो प्यूरे को ऐड कर लेने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको चलाते हुए पका लेना है। और अभी देखिए इनमें बॉयल आ चुका है, तो इस पॉइंट पर हमें थोड़ा सा इसे कवर करके पकाना है 4 से 5 मिनट तक। और 4 से 5 मिनट बाद मैंने यहाँ पर ढक्कन हटा लिया है, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। मिक्सी धोकर के जो पानी मैंने रखा हुआ था मैंने वो ऐड कर दिया है। करीब 2 कप के आसपास मैंने पानी डाला है यहाँ पर। चिकन हमारा पहले से ही 70% कुक्ड है, बाकी जो 30% है वो इसी ग्रेवी में पकेगा, तो इसीलिए पानी ऐड करना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेना है और उसके साथ ही कस्तूरी मेथी पाउडर भी ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पर दोनों को मिक्स करके एक साथ ही डाल दिया है। और अभी बस इनको थोड़ा सा चला लेंगे अच्छे से, और उसके बाद ही जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो ऐड कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे चिकन पीसेस को हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा इनको अच्छे से चला लेंगे और यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा कस्तूरी मेथी पाउडर ऐड करेंगे और इसके बाद इसे कवर कर लेंगे और 10 से 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं ढक्कन मैंने हटा लिया है, कितना रिच कलर आ चुका है बटर चिकन का और जो ग्रेवी है कितना क्रीमी बना है आप देख सकते हैं। अभी इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर 2 चम्मच हनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो बटर चिकन की ग्रेवी होती है उसमें खटास के साथ साथ थोड़ा सा मिठास होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वाले डिश में प्याज का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, इसीलिए शहद, गुड़ या फिर थोड़ा सा शक्कर का आप इस्तेमाल करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर लिया है, और क्योंकि बटर चिकन की रेसिपी के लिए स्मोकी फ्लेवर बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने एल्यूमिनियम की फॉइल से एक छोटा सा कटोरी बना लिया है। उसमें जलता हुआ कोयला डालकर थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे और बस 5 से 10 मिनट के लिए इनको कवर कर लेंगे और उसके बाद ही हमारी बटर चिकन की रेसिपी तैयार है। ढक्कन को हटा लेंगे और सर्व कर लेंगे। दोस्तों आप ये बटर चिकन की रेसिपी को नॉर्मल रोटी, पराठा, नान या फिर बासमती राइस, यहाँ तक कि लेमन राइस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा हेक्टिक है, लेकिन यकीन मानिए अगर ऐसे ही आप घर पर बटर चिकन बनाएंगे तो फिर आपको रेस्टोरेंट जैसा ही स्वाद आएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए DM फूड व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। और हाँ दोस्तों, पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।